हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ड्रिल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फार्मेसी में एज ए फैकल्टी काम करना चाहते हैं, मतलब किसी फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, या हम जिसे प्रोफेसर कहते हैं, उस तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सैलरी स्केल क्या होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, साथ ही साथ इसमें क्या फ्यूचर है और कैसे आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर मेरा जो इस पूरे वीडियो के अंदर जो जोर होगा वो प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर होगा, कि यहाँ पर मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो वर्किंग कल्चर है उसके ऊपर बात करूंगा और उसी को ही फोकस करके हम यहाँ पर बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है, वो पूरा क्लियर करूंगा वीडियो के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एलिजिबिलिटी होती है, पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आपको किसी फार्मेसी कॉलेज के अंदर एज ए फैकल्टी वर्क करना है तो डिप्लोमा पढ़ाने के लिए, अगर आप डिप्लोमा पढ़ाना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, तो आपको बी फार्मा होना चाहिए, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बी फार्मा की डिग्री। अगर आप बी फार्मा को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एम फार्मा होना चाहिए, मतलब आपके पास एम फार्मा डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। बट यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो बी फार्मा के अंदर जो फैकल्टीज पढ़ाती हैं, तो जो फार्मेसी कॉलेजेस होते हैं वहां पर, अगर हम मान के चलें कि किसी कॉलेज के पास 60 सीटें हैं, मतलब बी फार्मा के अंदर उसके पास 60 सीटें, मतलब एक क्लास के अंदर एक ईयर, मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है वहां पर 60 बच्चे, सेकंड ईयर 60 बच्चे, इस तरीके से, तो उनको टोटल 17 फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। कितनी? 17 फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। उन 17 फैकल्टीज के अंदर, उसके अंदर चार फैकल्टी फार्मास्यूटिक्स की होनी चाहिए और चार फैकल्टी मेडिसिनल केमिस्ट्री की होनी चाहिए, ठीक है, दो फैकल्टी फार्माकोलॉजी की होनी चाहिए, ठीक है, चार फैकल्टी या दो फैकल्टी उनको कोग्नोसी की चाहिए, फार्मा कोग्नोसी की, एक फैकल्टी फार्मा एनालिसिस की चाहिए। तो इस तरीके से वहां पर रेशो होता है, ये चार कभी पांच भी हो जाते हैं, ठीक है, ये मेडिसिनल और मैंने आपको सुटिक्स का आपको बताया है, ये कभी कभी पांच भी हो जाते हैं, ठीक हो गई बात। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर आप एज ए फैकल्टी वर्क करना चाहते हैं तो आपको एम फार्म किसमें करना है, कोशिश करिए कि आप एम फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री से करें या सुटिक्स से करें, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ब्रांच, ये जो दोनों ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो हमारे बी फार्मा के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए जो हमारा सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो फार्मास्यूटिक्स या मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, जिस वजह से इनकी रिक्वायरमेंट, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड से जो एम फार्मा होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, ठीक होगी बात। इसलिए मैंने क्लियर किया है कि अगर कई स्टूडेंट ऐसे हों जो क्यूए से एम फार्मा कर रहे हो, ठीक है, या कई दूसरी ब्रांचेस से एम फार्मा कर रहे हो, तो उनके चांसेस काफी कम है ऐसे फैकल्टी लगने के, क्योंकि पीसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सुटिक्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री के फैकल्टीज के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, मतलब जो सुटिक्स और सुटिक्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री से एम फार्मा है उनके चांसेस ज्यादा है ऐसे फैकल्टी जॉब करने के एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, क्लियर हो गई। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि अगर आप ऐसे फैकल्टी जॉब करना चाहते हो तो आप कोर ब्रांचेस से एम फार्मा कीजिए, सुटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोलॉजी, कोग्नोसी, ठीक है, इससे अगर आप एम फार्मा करते हैं तो आपके एज ए फैकल्टी सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं एम फार्मा की, तो अगर आप एम फार्मा को पढ़ाना चाहते हैं तो एम फार्मा के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि एम फार्मा, आप एम फार्मा भी होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। अगर आप इन सभी जो सारी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, अगर आप इन सबको फुलफिल करते हैं तो आप एम फार्मा को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी चलता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो या टीचिंग एक्सपीरियंस हो, बट पीसीआई तो बेसिकली टीचिंग एक्सपीरियंस मांगती है, बट कई कॉलेजेस जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज काउंट करती हैं, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर लगेगा और साथ ही साथ पीएचडी भी होना चाहिए, तो आप एम फार्मा को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो अगर आप डिप्लोमा के लिए ज्वाइन करते हैं तो एज ए फ्रेशियर इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 10 से 15 हज़ार डिप्लोमा को पढ़ाने के लिए। वहीं अगर आप बी फार्मा को पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो बी फार्मा को पढ़ाने वाले जो एम फार्मा कैंडिडेट हैं उनको जो सैलरी स्केल मिलती है वो 22-25,000 स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है, 22-25,000 स्टार्टिंग सैलरी है। उसके अलावा हम बात करें एम फार्मा को पढ़ाने के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30-40,000 है, 30 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये मैंने आपको प्राइवेट कॉलेजेस का सिनेरियो बता दिया, तो इससे आप समझ सकते हैं।
उससे कम अगर आपको किसी कॉलेज के अंदर ऑफर हो रही है, मतलब आपके अंदर ही कोई ना कोई कमी है। तो आपके ऊपर है कि आप उसको हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि कई लड़के ऐसा बोलेंगे कि सर मुझे तो इससे कम सैलरी ऑफर की जा रही है, तो या तो वो कॉलेज बहुत छोटा है, ठीक है, जो आपको सैलरी नहीं दे पा रहा है, या आपके अंदर कोई कमी है। क्लियर होगी बात? तो आप चाहें तो आपके ऊपर है कि आप उस सैलरी में भी हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार ये जो सैलरी होती है निगोशिएबल भी होती है, तो कई बार कम सैलरी में भी लड़के हाँ कर देते हैं, ये चीज़ कॉलेज को पता है। क्लियर होगी बात? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो फैकल्टी की जॉब होती है टीचिंग की, यहाँ पर सैलरी जो होती है वो काफ़ी कम होती है और इंक्रीमेंट भी काफ़ी कम होता है। यहाँ पर जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा परफॉर्मेंस तो ये होगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहता है, आपके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर फेल हो रहे हैं तो सीधी सी बात है आपकी वहीं पर जॉब चली जाएगी। उसके अलावा आपका पब्लिकेशन कितना अच्छा है, आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आप कॉलेज में कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका कोई चैप्टर बुक के अंदर पब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपकी खुद की बुक कोई पब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंक्रीमेंट होता है कि नहीं होता है। तो काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट, इस सभी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ना आपका कोई बुक के अंदर कोई चैप्टर पब्लिश हो रहा है, ना आपकी कोई बुक पब्लिश हो रही है, ना आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है किसी अच्छे जर्नल के अंदर, ठीक है, ना आप कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो फिर आपके इंक्रीमेंट आप भूल जाइए, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, और होगा तो काफ़ी स्लो होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसीलिए मैं इस जॉब को काफ़ी चैलेंजिंग मानता हूँ। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मा जो है बेसिकली वो एक टेक्निकल डिग्री है, और उसके अंदर रेगुलर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब रेगुलर ग्रोथ हो रही है, नए नए चैप्टर्स जो हो रहे हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, नए नए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो हो रहे हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको भी अप टू डेट रहना है, आपको पुरानी चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। जो आपने अपने बी फार्मा और एम फार्मा के अंदर पढ़ा था, आप उसी को ही लेकर कंटिन्यू चल रहे हैं, और वही नॉलेज आप बार बार बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपकी ग्रोथ के ऊपर। तो आपको हमेशा मॉडिफाई होना है, नई नई बुक्स को यूज करना है, उनको पढ़ना है, नए नए इंस्ट्रूमेंट के लिए रेडी रहना है, नए नए प्रैक्टिकल डिजाइन करने हैं। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अगर आप बिल्कुल पुराने लकीर के फकीर बने हुए रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, और फिर बाद में आप बोलें कि टीचिंग के अंदर बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। और ज्यादातर मैंने लोगों को ऐसे सुना है कि टीचिंग के अंदर स्कोप नहीं है, यहाँ पर सैलरी कम है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, इंक्रीमेंट भी होता है, बट उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूँ कि अगर आप इसे फैकल्टी किसी कॉलेज के अंदर, फार्मेसी कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हैं और आप फैकल्टी बनने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, एक सीधे शब्दों में क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ग्रो करना है इस फील्ड के अंदर, तो आपको अपने अंदर इस टाइप का स्किल और नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जब तक आप उस इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मतलब उनको आपकी कदर नहीं होगी, तब तक वो आपकी ग्रोथ नहीं करेंगे, मतलब आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा और आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। अगर आप बिल्कुल उनके लिए एक ऑर्डिनरी होंगे, मतलब आपका काम कोई भी कर सकता है, तो वो आपकी ग्रोथ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। हो सकता है कि बरसों तक आपको सैलरी इंक्रीमेंट ना मिले और आप एक लिमिटेड सैलरी में ही जॉब करें। इस वजह से आपको अपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहनी है, मतलब आपको उस इंस्टीट्यूशन के लिए एक असेट बनना है। जब तक आप उनके लिए एक असेट नहीं बनेंगे, तब तक वो आपकी कदर नहीं करेंगे। बट अगर आप उनके लिए एक बोझ बन गए, एक बर्डन बन गए, तो वो इंस्टीट्यूशन दो मिनट भी नहीं लगाएगा, और आप जैसे ही किसी दिन इंक्रीमेंट के लिए उनके लिए बात करेंगे, सैलरी ग्रोथ के लिए बात करेंगे, और वो उसी दिन आपका रिजाइन मांग लेंगे। तो सीधे शब्दों में बोला जाए तो आपको अपने अंदर ऐसी काबिलियत जनरेट करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप उस इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएं, और वो आपको बिल्कुल भी ना खोना चाहें कि अगर ये आदमी हमारे संस्थान से, हमारे इंस्टीट्यूशन से चला गया, तो इससे हमको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बच्चे हो सकता है कि हमारे माथे आ जाएं। इस वजह से इस बंदे को हमको रखना पड़ेगा, और इससे हमारे एडमिशन इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा रिजल्ट बढ़ रहा है, और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको कंटिन्यूसली अपनी फील्ड में काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीचिंग लाइन होती है बेसिकली, वहाँ पर हम लोग आपस में एक बात कहते हैं, एक कहावत है कि टीचिंग लाइन के अंदर पैसा नहीं है बट रिस्पेक्ट बहुत है। तो अधिकतर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ कि जो लड़कों के अंदर इगोइस्टिक प्रॉब्लम है, या जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम तो करना चाहते हैं बट वो इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं, मार्केटिंग में नहीं जाना चाहते हैं, बट उनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, वो रिसर्च करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो वो जरूर इस लाइन के अंदर आ सकते हैं, फैकल्टी बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, सैलरी तो आपको थोड़ी कम ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मार्केटिंग और इंडस्ट्री, बट इसके अंदर रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ग्रोथ का फंडा क्या है, आपको कंटिन्यूसली इसमें भी वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर ग्रोथ कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस केवल प्राइवेट कॉलेजेस के सिनेरियो के बारे में किया है, यहाँ पर मैंने अभी तक गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात नहीं करी है। बेसिकली अगर हम अपने देश के अंदर बात करें, तो सबसे ज़्यादा फार्मा सेक्टर के अंदर हम कॉलेजेस का डिस्कशन करें, तो प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस,
ठीक है, अगर पूरे सारे कॉलेजेस को मिला दिया जाए तो केवल 10% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जबकि 90% प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फार्मा सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और हमको फार्मा कैंडिडेट प्रोवाइड करा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं एज ए फैकल्टी, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको MPPSC क्वालिफाइड करनी पड़ेगी, और MPPSC क्वालिफाइड करने के बाद ही आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा मिलेगा, मतलब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाते हैं MPPSC क्लियर करके, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे डिप्लोमा पढ़ाएं या बी फार्मा पढ़ाएं या एम फार्मा पढ़ाएं, बट आपकी सैलरी स्केल ही 50,000 होगी, स्टार्टिंग कह रहा हूँ मैं। इंक्रीमेंट होने के बाद तो हो सकता है कि 4-5 साल के बाद आपकी सैलरी 1 लाख तक टच कर जाए, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्डन है कि आपका एम फार्मा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको MPPSC भी क्लियर करनी है, और कई जगह मतलब कई स्टेट्स के अंदर जो MPPSC होती है वहाँ पर आपको PhD रिक्रूट मतलब इनरोल भी होना है, मतलब आपकी PhD रनिंग होनी चाहिए या कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये भी एक शर्त होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सीधा सा फंडा है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज ए फैकल्टी वर्क करना चाहते हैं, तो आप अभी से ही MPPSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वैकेंसीज होगी, कोई पर्सन रिटायर होंगे, और जैसे ही वहां पर वैकेंसी जनरेट होगी, वैसे ही वो MPPSC के अंदर वैकेंसीज निकल जाएगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, बट आप ऐसे गेस्ट फैकल्टी भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर काम कर सकते हैं, बट गेस्ट फैकल्टी की सैलरी काफी कम होती है, उनको लेक्चर के हिसाब से सैलरी दी जाती है, मतलब लेक्चर वाइज, मतलब एक लेक्चर ले लिया आपको तो 200 रुपये मिल जाएंगे, दो लेक्चर ले लिया तो 200 रुपये के हिसाब से, दो लेक्चर तो 400 रुपये हो जाएंगे, इस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और जब कॉलेजेस नहीं लगेंगे, छुट्टी होगी, एग्जाम चलेंगे, तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गेस्ट लेक्चर ना लगे, आप चाहें तो किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, बट चांसेस कम है। बट अगर आप प्रॉपरली किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो आप MPPSC के थ्रू ही जाएं, तो वहां पर आपके चांसेस काफी ब्राइट होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आप किसी फार्मेसी सेक्टर के अंदर ऐसे फैकल्टी जॉब करना चाहते हैं, फार्मा कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहां पर आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने सिस्टमेटिक वे में आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा, और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।